आवाज कम करो। पापा कितना गंदा पानी है ये तो। अगर यही हाल रहा ना तो एक दिन हर कोई साफ पानी के लिए तरसेगा। शायद सारे देश साफ पानी के लिए झगड़ने भी लगे। कहीं ये भविष्यवाणी सच ना हो जाए कि ये तीसरा वर्ल्ड वॉर पानी की वजह से ही होने वाला है। दीदी पानी क्यों मिल नहीं रहा? बारिश तो गिरती है और हमारे पास समुद्र भी है। किताब में लिखा है कि पृथ्वी पर 3 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा जमीन का है, तो भी लोग क्यों कहते हैं कि पानी कम है? हाँ, पर 3 हिस्से पानी में से पीने लायक पानी तो सिर्फ 2% ही है, और वो भी कुएं, नदी, तालाब या ऐसे कोई माध्यम जिसमें हम पानी का संग्रह कर सकते हैं। तो वो भी तो है, यह बाजू में से जो नदी जा रही है उसका भी तो पानी मिल सकता है। ये जो पास की नदी है ना बेटा, उस नदी में नदी की दूसरी ओर पे जो फैक्ट्री है ना, उसका जहरीला पानी बहा दिया जाता है जो पानी को दूषित करता है। और ये जो दूषित पानी है ना, वो ना तो हमारे और ना कोई जानवर के पीने के लायक रहता है। ऐसे ही हमारा हर एक पानी का माध्यम आज दूषित हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना बेटा, तो देखना एक दिन पृथ्वी पर पानी तो होगा लेकिन पीने लायक पानी शायद ही बचेगा। एक दिन पृथ्वी पर पानी तो होगा लेकिन पीने लायक पानी शायद ही बचेगा। तीसरा वर्ल्ड वॉर पानी की वजह से ही होने वाला है। आज की ब्रेकिंग न्यूज़। पानी के लिए चीन ने भारत पर हमला कर दिया है। दुनिया के सारे देश 2 भागों में बट गए हैं। हर कोई पानी के लिए लड़ रहा है। पानी को बचाने के लिए आज कोई भी आगे नहीं आ रहा है। हर किसी को चाहिए साफ मम्मी। क्या ये सब ऐसा नहीं रहेगा और इसे बर्बाद करने वाले हम इंसान ही होंगे?